ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਕੋਲਕਾ 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 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ सत्श्रीकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं हाँ इस टाइम यकुस दुनिया के सब तो ठंडे शहर दे विच। काफी बार सुन लिया होगा तुसी ये चीज ते अज हले तो मैं जा रहा कुछ खान खा के वापस आना। अज मेरी टैक्सी आऊगी शाम नू, मैं उदे ते जा रहा भाई दुनिया दे सब तो ठंडे पिंड जा दुनिया दी सब तो ठंडी जगह इनहैबिटेड प्लेस जिथे लोग रहिंदे होण। इदां दा सब तो ठंडी जगह अंटार्कटिका च होगी किते -90-95 पता नहीं -98 है शायद, पर -71.2 डिग्री सैलसीयस ओइमिया कौन पिंड दे विच टैंपरेचर रिकॉर्ड किया गया सीगा। 2020 दे विच एवरेज टैंपरेचर -50-51 डिग्री रहा सीगा और एक दिन -64-65 आम गल, और कल का टैंपरेचर उत्थे -63 डिग्री सैलसीयस सीगा। तो उत्थे जाण लई यकुस तो लगभग 996 किलोमीटर जाना पैंदा, वह भी शॉर्टकट लैके, वैसे 1200-1300 किलोमीटर है। सो टैक्सी मैनू लैके जाऊगी और बहुत नज़ारा आने वाला है क्योंकि मैं जाऊंगा दुनिया के सब तो खतरनाक रोड द रोड ऑफ बोन्स कोलिमा हाईवे दे उत्तों जाऊंगा। सो दे बारे गलबात भी करांगे। टैक्सी आऊगी शाम को 4 बजे, ऑलरेडी 2 बजने वाले हो गए, खा पी के वापस आने हैं। आज का टैंपरेचर इतने हो रहा है -44 डिग्री सैलसीयस। कोलिमा हाईवे इन्ना खतरनाक है कि हर साल बहुत सारिया मौतां उत्थे सिर्फ इस करके हो जाती है क्योंकि ठंड इन्नी ज्यादा है, लोगों की गड्डिया ट्रक खराब हो जाते हैं, तो भाई पिछों कोई आउंदा ही नहीं 24-24 घंटे दे विच। उत्थे सिर्फ एक या फिर दो ही साधन आउंदे जांदे ने, और जे तुसी किते साइड ते मुड़ गए जिवें कि ओइमिया कौन पिंड नूं मेन कोलिमा हाईवे तो 200 किलोमीटर मुड़ना पैंदा, ते जेकर तुसी उत्थे चले गए ते उत्थे तां हो सकदा वी पूरा पूरा दिन ही कोई ना आवे। तो इदां दी ठंड दे विच जे तुहाडी गड्डी खराब होई तो मैनू नहीं लगता भी कोई बंदा घंटे दो घंटे तो वध सरवाइव कर सकता है। 2020 दे विच इक ट्रैवलर दी मौत हो गई सी, आपदी गड्डी ते ट्रैवल कर रहा सीगा, -53 डिग्री सैलसीयस उस दिन दा टैंपरेचर सीगा, ते उह बेचारे दी मौत हो गई सी क्योंकि भाई उहदी गड्डी खराब हो गई सी। तो उस हाईवे दे उत्तों मैं जाण वाला, पिछली बार भी मैं गया सी, पिछली बार लिफ्टां मंग मंग के गया सी, इस बार मेरे एक दोस्त ने टैक्सी करवाती क्योंकि शेयरिंग दे विच टैक्सियां जांदियां है पर जे लोग उन्ने होण तां क्योंकि वो नेड़े एक छोटा जा टाउन है, उत्थे 2-3 हज़ार लोग रहिंदे है। देखो तुहानू एक चीज दिखाउणा, जिवें मैं तुहानू पहला भी दस्या होना भी गड्डियां स्टार्ट रखदे इदां कवर दे के पिछे एक पाइप कढ दिंदे आ, ते उह जिहड़ा रात नूं उहदा धुआं जां कुछ होना डिगदा होना पानी पूनी कुछ, ते उह देखियो हुण वी डिग रिहा थोड़ा थोड़ा, ते उत्थे ही जम गया बर्फ बन गई इदां भी गड्डियां स्टार्ट। आ देखो इस गड्डी दे विच हुण है नहींगा कोई माड़ा मोटा कम धंदा, जिवें कोई जांदा जां कोई रिश्तेदार आया घंटा दो घंटे, उह तां जमा ही इदां बंद नहीं करदे, और रात वाली तो कई बार बंद करके उन्होंने एक बिजली की तार सिट के इधर थलों कढ़िया होंगे वो ला देंगे, जो वो शायद वो कुछ करती होगी, गर्म गुरम रही होगी या बैटरी चार्ज रही होगी। और भी खाना पीना मैं लिया कुछ सेब वगैरह लिया होइमिया कौन लई, पिछली बार तो मैं आलू खा के 5 दिन कढ़े सीगे, 5 आलू ते 5 दिन, ते इस बार मैं सेब ले ले आ 5 ही सेब थोड़े वधिया रहणगे, ते बाकी बई कुछ ना कुछ हल करांगे, नहीं तो बई फिर पिछली बार वाला ही माहौल फिर हो जाना। और मैं डायरेक्ट थानू टैक्सी आ जाऊगी जदों उदों मिलदा। आ गई है टैक्सी, ओ की समान कुछ लदी फिर तुम रात लग रही होगी, रात तो नहीं है, टाइम हो गया 5 बज गए, 5:10 हो गए। आ भाई टैक्सी आई है, यह जाऊगी, चल पई है टैक्सी। टैक्सी दे विच ना सारा समान ही समान है, मतलब खान पीन का दिस भी नहीं रहा होना थोनू सारा कुछ, और 2 पैसेंजर हो रहा, तीजा मैं बस, और चौथा अगे बाई चला है। 8,000 मैं दूंगा डायरेक्ट, मैं उस पिंड छड़ दूंगा, बस एदा समान समून वाली जानी है बई, ऊ नहीं जाती कोई, हुण उत्थों आउंदी वारी पता नहीं किद्दां माहौल चाल बनूगा। पतंदर चलिया भी रात नूं ऐ सौं सौं नहीं भरावा जदों नींद आवे, एक्सट्रीम जर्नी है जिहड़ी कि रोड ऑफ बोन्स कोलिमा हाईवे तों आपां जावांगे। रुकिया दारू दुरू लैण नूं यार, ड्राइवर ना पीवे, बाकी तां दूजा नाल वाला तां लऊगा। और एक चीज मैं तुहानूं दिखाउणा, देखो की लिखिया उत्ते, लग्जरी वाइन टिका, मतलब ठेका। हुण असीं उतर रहे हां थले नदी दे विच, लैना रिवर, लैना रिवर क्रॉस करांगे जिहड़ी कि जम चुकी है। सो भाई देख लो, ए एक तरह की मरशूत का मिनी, मतलब टैंपू ट्रैवलर जिवें हुंदी आ अपने,
उस टाइप की है ते असी नदी के उत्तों की पार कर रहे नेरे च तुहानू दिसणा तां कुछ नहीं राह दे विच होर भी दो तीन नदियां आउणगियां जिहड़ियां इदां ही पार करनियां पैणगियां पुल नहीं बने क्योंकि यार छे छे किलोमीटर सत सत किलोमीटर अठ अठ किलोमीटर लंबे पुल बनने बहुत मुश्किल होंदे आ हालांकि रशिया बना सकता है पर यार पॉपुलेशन इन्नी घट है ना इत्थे एडी इनवेस्टमेंट मतलब बहुत सारे देशों च नहीं की होंगी क्योंकि लोड़ भी नहीं है क्योंकि जब उस होर कित शहर जाना तो वो रोड जुड़ती है प्लस निजनी बस त्याग तक ट्रेन आँदी है सो एडी खास लोड़ नहीं है ता करके बनाया नहीं हो समान लोड कर लिया इथों बाई ने देख लो ऐदा ही जांदी है समान वाली मेरी किस्मत चंगी सी अज ही चली सी ते मैनू टक्कर गई नहीं तो मोस्टली मिलती नहीं है पर हुण ये नहीं पता बाई उथों दा ही ना होवे कि उत्थे ही रह पे इथों दा होवे वापस होना होवे इन्हें एक अद्धे दिन च फिर मैं इहदे नाल आ सकदा तुरिआं नूं 60-70 किलोमीटर हो गए आ ते इत्थे इक हुण पिंड आया कोई पिछली बार भी शायद मैं इसे कैफे ते रुकिया सीगा और इत्थे मेरे नाल लोकां ने फोटोआं खिचाईआं सी फिर जदों फिर मैं टीवी ते बड़ा फेमस होया सी इत्थे रशिया टूडे ते अखबारां च ते उदों लोकां ने मैनूं भेजीआं सी ये उही कैफे है ये साडी देख सकदे हो किवें लद्दी हुई है वह परली भी इदां ही लद्दी हुई है आह कोई गड्डी खड़ी है ये है जी कोलिमा हाईवे P504 है इहदे थल्ले ते आसे पासे हो सकदा मैं जिथे तुर रहा इत्थे भी हड्डियां ही हड्डियां होण कहिंदे आ कईआं दा मनणा भी 1 मिलियन लोग मर गए सी कईआं दा 2.5 लख कई कहिंदे नहीं जी 70-80 हज़ार लोग ही सीगे जिहड़े नूं बनाउण वाले सी कैदी हुंदे सीगे उह कैदियां नूं कम्म ते लाया जांदा सीगा स्टैलिन इरा दे विच मेरा जम रिहा सारा कुछ सो 1932 तों लैके 1953 तक सोवियत यूनियन दे टाइम ते उहनां तों कम्म कराया जांदा सीगा सो इदां दा कोई सीन आ अगे चलदे चलदे गल्लां बातां करदे जावांगे सामने एक पेट्रोल पंप है एक पिंड आ 60 किलोमीटर बाद आया इस तों अगे आऊगा सीधा 250 किलोमीटर बाद एक छोटा जिहा कस्बा फिर नहीं कुछ आउंदा फिर तां सीधा एक पेट्रोल पंप आऊगा 600 किलोमीटर बाद ते फिर सीधा ओइमिया कौनी जाना पैणा माहौल चाल कुछ इदां दा चल रिहा पता नहीं किदां दा हो गया मैं हुण बाहर आया इत्थे आऊगा -40-45 ही होगा जे कुछ दा सीगा ओइमिया कौन च -57 डिग्री हो रहा बई मैनूं थर्मामीटर की फोटो भेजी सी अज किसी ने मतलब किसी ने की ओह मेरी जिहड़ी दोस्त सीगी उहदे घरदिआं ने उहनूं भेजी सी ते उहने मैनूं दिखाई सी चलो अंदर चलिए करतोशका मतलब आलू भी है फ्राइज भी है राइस है पास्ता है इतने इदा आंदा आपकी ट्रे चको तो आपका समान पा लो तो उत्थे एंड ते जिहड़ी बिलिंग थोड़ी हो जूगी इधरों चाह लै लो कुछ लै लो इधर अंदर एक दुकान भी हैगी अज तो बंद पई है चलो लैने कुछ की कुछ है आता कुछ होर है जगाड़ इतना म्यासा नहीं है बिजम्यासा हाँ खरश द कर तुश का चौल ले वेजिटेरियन हाँ पिरोश की नहीं है तो नहीं है तो करतुश का ये इत करतुश का हाँ आलू ले लिए तो चौल ले लेने भाई अभी आ सब ले लिया मैं चौल ले लिया ज्यादा ही ले लिया मैं तो लगता 250 रूबल का बनया है कुछ बिजनेस है अच्छा बदमी खरशो खरशो कैफिया मेरी यादा ताजिया हो गई मैं पिछली बार वाली फोटो अटैच करने की कोशिश करूंगा मैनू उन्होंने भेजी सी जिन्होंने मेरे नाल खिंची सी बाद च इंस्टाग्राम मेरा लभ के जो मैं टीवी ते फेमस हो गया दो प्लेटा का करती अपना खाली हुण तीजी दी वारी आ दो दिन हो गए यूकुस मैनू इन्ना वधिया नहीं मिलिया सीगा पर हाँ इत्थे देसी ढाबे दे वधिया काम मिल गया आ देखो हसकी कैं फिरदा पिछली बारी तो बई खा गए सीगे ऐतकी ना मतलब खा तो नहीं गए सीगे पिछे पै गए सीगे मैं जा रहा सी लिफ्टा मंग के आउंदी वार मैं कल्ला सीगा जे तुहानू पता होवे तुसीं सारियां वीडियो पिछली वारी वालियां देखियां तां जांदी वारी असीं दो जणे सीगे चलो भाई बाई नूं विचारे नूं समान लाउणा पैंदा आ बाई दी पीती आ इह नहीं गिआ कहिंदा मैं पी ली मैं नहीं खांदा रोटी राटी ओह वी इत्थे लिआया बाई पेट्रोल पंप ते इत्थों पवाउगा तेल हुण थोड़े जिहे रेट रशियन रूबल च वधे आ जिवें 62 रुपये आ पर यार हाँ शायद पिछली वार इत्थे भी इन्ना ही सीगा मतलब मॉस्को साइड 40 रूबल का हुंदा मतलब इंडिया दे उही 40-40 रुपये का हालांकि रशिया च तेल निकलता है पर फिर भी रेट इन्ने की हुंदे आ वह बहुते सस्ते उन्हां देशां च आ जिहड़े जिन्हां नूं सैंक्शन नाल फर्क पै गया उन्हां दा विकदा नहीं गा इन्हां दा विकदा बई बाहर भी
दोबारा फिर रुके हैं, काफी अगे आ गए हुण। आ देखो साडी किवें लद्दी हुई है, ये सारा समान तमतौर ते ओइमिया कौन जाऊगा, देख लो 1200-1300 किलोमीटर है। इन्नी देर च बंदा पंजाब तो बॉम्बे पहुंच जे, इन्नी दूरी है, या मोटा मोटा लो पंजाब तो हजूर साहब जाना हो इन्हों का राशन पानी उतो जाता क्योंकि नेड़ला शहर यही है। ये कैफे है, लास्ट टाइम भी मैं इतने रुके से, मैं तेन अनकुर भाई सी, इतने बंदे ने सू छता रात के टाइम ही 11-12 बजे। फिर एक बंदा सानू लैके गया सी नदी किनारे ते, सारी रात उत्थे कटाई उन्हें टैक्सी जी, फिर गां दी गां लिफ्टां मंग, खतरनाक ही सीगा वो भी काम यार। पर हाँ उस जगह ते आके दोबारा मजा आ रहा। आही सेम कैफे सीगा बई, वो पुरानी वीडियो च भी देखियो जाके, इत्थे फिर सानू बाई मिलिया सीगा, इत्थे किते बैठ के उन्हें गलबात की, वह कहना हाँ मैं लै जाऊंगा थोनू नदी किनारे ते छड्डिया सी। फिर उन्हें हमेशा वधिया लगता हुंदा इदां जदों किसी थां ते तुसीं दोबारा आउंदे हो, मैं इस थां ते तां ही दोबारा आया क्योंकि भाई ये जगह खिंचदी है, मैं सुनिया भी सीगा और सच्ची गल भी है, पता नहीं किवें खिंचदी है। अमिताभ दी वीडियो देख के ही मतलब इदां हुंदा सीगा कि हाँ यार उस जगह ते जाना है जाना है जाना है। चलो आखिरकार जा ही रहे हैं, कोई नहीं कौन ते फिलहाल तो खैर आपां हैगियां भाई किते पता नहीं कितने है, मतलब खानदीगा शहर आ 400 किलोमीटर लगभग या कुछ तो राह पिंड इदा ढाबे ढूबे आते रहते। खानदीगा तो बाद अगला जो सफर है ना घट्टो घट 700 किलोमीटर का, उत्थे कुछ नहीं आता बस, वह फिर सीधा जाके तमतौर ही आऊगा जो भी आऊगा, तो कौन ही आऊगा। चलो भाई चलिए हम, मैं तो कुछ पीता नहीं की पीता, रज के रोटी राटी खा ली सी, आऊगा तो समान रखूगा फिर जावे अंदर। इत्थे ना जे मैं हुण इहदे विच पानी सिट्टां तां पानी थल्ले नहीं आऊगा -50 चा, देखो मेरे हुण हत्थ आ जिवें अंदर टैंपरेचर अंदर दा +25-30 कीता हुंदा, 2-4 मिंट मैं हत्थ बाहर रखूंगा, मैं बाहर रहूंगा कोई चक्कर नहीं, पर उस तो वध नहीं बंदा बाहर रह सकदा। बई चलदे जा रहे हां हुण, खानदीगा दे नेड़े आ गए, पिछों लैना रिवर आई सी, लैना रिवर दे वी उत्तों दी लंघ के आ गए। सुत्ता तां नहीं गा यार, डर ही लगदा कि सारे उह तां सौं रहे दोने जणे, कितने भाई ड्राइवर नू ना नींद नू आवे, एदा हुंदा है भी नाल दा सौं जे ना, पर इहदा डेली दा कम्म। इहदा गेड़ा वैसे ठंडा जी लगदा होना क्योंकि भाई नदी जमदी है तां गेड़ा लगदा, जे नदी ना जमी होवे फेर भाई आउंदे नहीं गे। खानदीगा तो पिछे जिहड़ी आ हुण लैना रिवर आई सी उहदों पिछे रुक जांदे आ। कोलीमा हाईवे आ, इह सारे दा सारा मोस्टली इह सुन्ना हो जाऊगा, फिर अगे एक शहर आऊगा उस्तनेरा, मतलब वो मेरे राज नहीं होना, मैं उदू पहला मुड़ना, फिर अगे सोसमान होंदे हुए मगादान तक जाता, 2000 किलोमीटर लंबा ये हैगा। इत्थे किते भी मतलब हड्डियां इदा मनदे आ, बहुत सारे लोगों का मनना है भी इस हाईवे दे थले ते हाईवे दे आसे पासे कई कई मीटर तक हड्डियां ही हड्डियां, क्योंकि भाई ठंड इन्नी ज्यादा सी, काम करते सीगे उस टाइम इन्ने कोई साधन नहीं होंदे सीगे कि भाई किसी नूं भी मतलब जो कोई मर गया काम करदे हो, कैदी वैसे भी वह कैदी होंदे सी, उन्हां दी इन्नी मतलब अहमियत नहीं समझी जांदी सी उन्हां दी जान दी भी, ते भी मर गया तां उहनूं कित्थे लिजाणगे है ना, तो उहनूं कह दिंदे सी यार इहनूं इत्थे दब दिओ, ऐ काम हुंदा सीगा। पूरी रात का सफर तय करने तो बाद मैं पहुंच गया क्यूबे में, जिथों की हुण मैं रोड ऑफ बोन्स है जिहड़ी असीं मतलब इत्थों तरन नूं छड़ दांगे, जाऊंगा मैं ओइमिया कौन वाले पासे। आ देखो आ कुत्ते फिर तो आ गए, पिछली बार बहुत सारे कुत्ते सीगे जिन्होंने घेर लिया सीगा, इस बार बई फिर तो ये इत्थे ने, ते पिछली बार आ नहीं लग्या होया सीगा, वो पिछे एक घर है मतलब आ कैफे है इधर ही किते, ते उत्थे रुके सीगे मैं तेन वनकुर भाई रात नूं, भाई भाई ने कदे ठंड लगदी आ अग बाल दिया करे, उन्हें अंदर लाउण लाती गर्मी, नेरी ठाती उन्हें। आ कैफे आ भी पिछली बारे बंद सीगा, शायद की मैनूं इह खुला लगदा कैफे वाला कहिंदा फोटो खिंचणी है। कैफे च मैं मैकरोनी ले ली आ, हैगी भी बीट रूट हुंदी आ जिहड़ी, उहदे विच मेयोनीज पा के दित्ती आ, ते नाल आ गई भी अपनी चाह, ते इधर आ गई अपनी चिली सॉस, खा लिया पास्ता पी ली चाह, बीट रूट मैं थोड़ी जी घट खाधी गई मेरे तो। फुलका फुलका नियत नियत यार ये मेरे तो पैसे नहीं लै रहे, कहिंदे नहीं लैणे, पता नहीं
सारा कुछ देता दे एदा वधिया बंदे मतलब मिलदे आ। खैर मैं दऊंगा पैसे इदां दी गल नहीं हैगी पर ये आप दे वल्लों कह रहे हैं। स्कूल का टेंपरेचर माइनस माइनस 61 डिग्री अज दा टेंपरेचर हो रहा। सही कह रहे हैं ओमिया कौन दा माइनस अज 63-64 होया पिया। इथों वाले 150 किलोमीटर हैगा तो ये कहंदे सी तेरे तो पैसे नहीं लै सकदे भी मैं जोर ला लिया नहीं लिया इन्होंने मेरे तो पैसे। सिवा बलशय कक जावुत आन्या आन्या хорошо два год я сюда хорошо и кафе нет работы я сюда ночи понимаешь да да окей до свидания свидания счастливо окей ло भाई चलिए यार ऐसे नहीं ले इन्होंने मेरे तो आ गया भाई हुन रोड ऑफ बोन्स नु P504 नु बाय बाय कहवांगे ते चलदे हां। स्कूल का किलोमीटर हो इमिया कौन स्तो पिदिशियात ओ लो भाई कद दिला ब्रात आ गया अंदर आप यार देख लो इन्ना कुछ देता मैंनू कटो कट इन्ना ना महंगा मतलब इतने यार इन्नी पहुंच महंगी होंगी 300-400 दा तो होगा भाई लाए नहीं पैसे मैं जोर ला लिया हुण फिर भी ज्यादा बंदा कह नहीं सकता 3-4 बार गया मैं कहने नहीं नहीं मेरे फोटो फूटो कराई हाला यार देख लो है 700-800 किलोमीटर बाद एक यही जगह आती है ये पिंड होंदा सी पहला दरअसल क्यूबे में पर हुण इत्थे कोई नहीं रहिंदा इदां दे बहुत सारे पिंड आउंदे आ राह दे विच जिथे लोग छड़ चल गए नहीं ठंड च कोई की करूगा यार वो काम धंधा है नहीं गा लोग शहरां नूं चल गए पर फिर भी हाँ बहुत सारे लोग जिन्हां नूं पिंड नाल प्यार हुंदा बड़े पिंड वसे भी हैगे आ बड़े तां की आ पूरे 500 किलोमीटर खांदेगा तो बाद सिर्फ एक पिंड आउंदा टेंपरेचर माइनस 30-32 हो रहा है क्योंकि नवंबर का महीना से हुण दिसंबर है भाई माइनस 61 डिग्री हो रहा है देख लो यार है एक दो मिनट बाहर तुसीं खड़ लो कोई चक्कर नहीं गा जो नॉर्मली मैं इतो मतलब अंदरों पूरा टैक्सी जो गर्म होके गया कोई चक्कर नहीं है पर हाँ उस तो बाद भाई पॉसिबिलिटी नहीं है इतने अगे एक ट्रक खराब होया पिया पर नेड़े ही सीगा तो भाई इतने चल गया होना नहीं तो इदा बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है भाई आ देखो टोचन भाई खड़े है हर साल इदा बहुत सारे लोगों की मौत होंगी है क्योंकि ट्रक गड्डी खराब होगी तो फिर भाई औखा काम है क्योंकि पिछों कोई आउंदा ही नहीं गा मगादान जाना पैंदा पिछली बार असि इथो लग हो गए नानकुर भाई मगादान तक गए फ्लाइट लैके मॉस्को पर मैं इथो वापस लिफ्टा मंग मंग के यकुस्क फिर अगे मैं ट्रेन लैके गया आ पिछे सारा जेड़ा पिंड है सारा पिंड अबंडन हो चुके इथे हुण कोई नहीं रहिंदा आ देखो घर थोनू दिख रहे होणगे पर हाँ बई इत कोई नहीं रहा जिस पिंड वसो होंगी धुआं निकलता जरूर देखता क्योंकि हीटर उन्होंने जेड़ा चला रखा होंगे पर हाँ मैं पता पिछली बार भी इतने असं आए थे इन्होंने घर कोई नहीं रहा होर भी कई सारे पिंड आए लोग छड़ गए बई पिंड देर दे 9:30 हो गया तो एक घंटा टाइम जोन च मैं होर अगे आ गया यकुस्क तो इंडिया तो हूँ शायद 4:30 घंटे या 5:30 घंटे मैं अगे हो गया आऊंगा और मॉस्को तो मैं 7 घंटे अगे हाँ हाले भी इतने सूरज चढ़िया नहीं है लगभग 10 बजे नेड़े तेड़े पूरा दिन चढ़ता और 2 बजे ही छिप जाता मतलब इतने 4 घंटे का ही दिन होंगे ठंडा दे विच चलते जा रहे हैं हाले इतों 100 किलोमीटर पिया ते इत्थे रोकी है एक नदी है सारी दी सारी जम चुकी है एक आगा खान पता नहीं केड़ा पिंड है पर पिंड तक आता हूँ इतने भी कोई रहिंदा नहीं है वैसे देख लो अबंडेंड है और उत्थे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है पुल वगैरह दी पर है नहीं उत्थे हुण कोई कल्ले साधन ही खड़े उन्होंने ते बर्फ पैन लग गई है देख लो इस 150 किलोमीटर ते कुछ नहीं है इत्थे ही मुंडे की मौत हुई सी इस एरिया दे विच ही किते जिहड़ा टूरिस्ट आ रहा सी ते विचारा फस गया सी इस रोड से हर साल बहुत सारे ड्राइवर इदा बेचारे की मौत हो जाती है बेचारे समान लाना पैदा सारा समान भरया हो पिछे
इतने भी है पर ऐदा नहीं अफरीका की तरह की इतने जिन्ना भी भर लोगे लिमिट है जी। ट्रक च पुलिस वाले ने देखा तो उत्ते भी जो पूरा बनया होया ओदे विच ही रख सकते हैं। दुनिया के सब तो ठंडे पिंड तो हले मैं 60-70 किलोमीटर दूर है। 550 किलोमीटर बाद एक पिंड आया इतो 30-31 किलोमीटर दूर तमतौर है। तमतौर तो 40 किलोमीटर अगे ओइमियां कौन है। सो तमतौर एक कस्बा है। गूगल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन 5000 है लेकिन एक्चुअल घट है क्योंकि लोग बई हरेक साल उन्होंने छड़ दे जाते हैं। क्या देखियो आह मोटरसाइकिल होंगे जोड़ा रुड़ के चलता होंगे इनू चलाते ने उ है बर्फ न लत पथ है तो सामने जेडे कपड़े सुकने पाए पे है ना उन्होंने हम चकनगे नहीं इदा ही रहने जो चकन गए तो वो टुट जाएंगे समझ रहे हो इन्ने आकड़े पे हो देखो उधर भी पाए पे गलती बहर रह गए हो फिर उदा ही रह गए। सोच सकते हो भी 550 किलोमीटर बाद एक पिंड आया तो मैं पिछली बार इतने लिफ्टा मंग मंग के लोगों तो पहुंचा सी यार मतलब बड़ा वह सीगा है ना बहुत्या कि भाई वो पंजाबी हर थां पहुंचे ने हर थां पहुंचे ने हाँ पर इस थां दा जिहड़ा माण है मैनू हासिल होया मैं पहुंचा इत्थे पर नहीं कई लोगों नू आदत हुंदी है कि नहीं बई ये तो बंदा सामने खड़ा है यार ये कह रहा है ये कि नहीं बथेरे गए है वह बथेरिया चो भी जो पहला कोई उठ के आ जाऊगा ना फिर उन्होंने यही कहे नहीं बथेरे गए है नहीं पहुंचा इतने कोई है ही नहीं इतने कोई रहा नहीं करता नहीं बस इस जगह का एक रिकॉर्ड है दुनिया की सब तो ठंडी थां है जिथे लोग रेंदे हो वैसे तो अंटार्कटिका च ही होगी नॉर्मल जी गल इस चीज़ में समझो बहुते तो इस गल मन तैयार ही नहीं गए अद्धे तो बेचारे यही कही जाते हैं कि ग्लेशियर ही बहुत ठंडा इंडिया वाला शैचन ग्लेशियर 50 डिग्री तो माइनस का रिकॉर्ड किया गया किसी भले टाइम दुनिया की सब तो सैकेंड ठंडी प्लेस -45 डिग्री द्रास है। चलो जो भी है ये बारे भी गलबात करा फिलहाल समान समून ला के तो मैं मूँह ढक बी इस तो पहला मेरा कम ठर जे बस इन्नी ही देर खड़ा हो सकता बिना ग्लव्स ग्लूव्स पाया बंदा। इत्थे आए हैं हुण किसी का घर है ये तो इत्थे मैं टॉयलेट जाके आया इदा बनिया होनी टॉयलेट्स इत्थे दियां अभी रशियन हस्की साइबेरियन हस्की दरअसल देखो कई तरह के होंगे कई रंगा दे इदा ही इतने आवारा फिर अंकल वधिया कगजाबुत समसे दालचंद समसे दादा तो ये अंकल तमतौर तो इनिया कौन पुलिस को लादना सिवोदनिया स्कूल का मीनस मीनस सोरख वोसिम ओ सोरख वोसिम -48 कहता भाई तमतौर का इथों का क्यूबेमे का ज्यादा सी हुण ओइमिया कौन का देखते हैं किन्ना होगा स्त्रानम इंडी इंडी दा शेम और पोलिस को लदा भाई स्वागत कर रहा मैं लगता मेरा ठंडी थान जिम और से पोलिस जीतले पोलिस को लदा अभियोलाम प्रि बगदानस मगदान इंडी 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 मगदान दालिको नहीं नहीं इंडिगो जो इंडिगो वाशु सलाम दाद आई लव यू थैंक यू वेरी मच आई लव यू टू बाय या एको कैम बह गया। ये तमतौर है बई जिला एदा मतलब ओइमियां कौन ही पैंदा ओइमियां कौन डिस्ट्रिक्ट कहंदे आ इहनू ते पर हां ये थोड़ा जिहा वड्डा है इत्थे 3-4 हज़ार लोग रहिंदे आ लगभग इथों हुण आपां 40-45 किलोमीटर जाना ओइमियां कौन जिहड़ी दुनिया की सब तो ज्यादा ठंडी इनहैबिटेड प्लेस है जिथे -71.2 डिग्री टैंपरेचर रिकॉर्ड किया गया सीगा 2020 दे विच एवरेज टैंपरेचर -51 डिग्री सी एवरेज सोच सकदे हो तुसीं विंटर का नॉट पूरे ईयर का क्योंकि पूरे साल च गर्मिया च तां मतलब हो जाता होना इत्थे +32-33 वी। इस वीडियो में इतनी खत्म करते हैं उम्मीद करता वीडियो वधिया लगी होगी जेकर वधिया लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। रोड ऑफ बोन्स का सफर करके थोड़ा पहुंचना पैदा है तो थोड़ा जा फिर उतनी साइड पर आना पैदा है पिछली बार बहुत तंग होया पर हाँ इस बार ता नहीं तंग होया कि डायरैक्टली मैंने ये समान वाली गड्डी मिल गई तो ये बैठ के मैं आ गया तो जाती बार भी शायद ये बाई मिल गया तो वधिया हो जाऊगा काम नहीं तो फिर
देखी जाऊगी जिदा भी होगा नाल ही हो तुसी। तो चंगा जी, सत श्री अकाल, रब राखा, मिलते हैं अगली वीडियो दे विच।